गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मोदी के बिजनेस से आप अपने लिए एक सपनों की जिंदगी तैयार कर सकते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक रेजिडुअल इनकम का सोर्स आपको मिल सकता है यदि आप सही तरीके से सिस्टम के हिसाब से मोदी के में अपना नेटवर्क बिल्ड करते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है कि आप मोदी केयर के कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से रूल्स को फॉलो करते हुए अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाएं। इमेजिन करें अगर हम एक हाईवे के ऊपर कार ड्राइव कर रहे हैं और यदि हम कोई भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करें तो हमारे लिए और हमारे आसपास कई लोगों के लिए परेशानी हो सकती है। उसी तरह से जब भी आप मोदी का नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, मोदी केयर के रूल्स को फॉलो करते हुए नेटवर्क बिल्ड करें ताकि आपके लिए फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मोदी केयर के कोड ऑफ एथिक्स के अंडर 6 ऐसे रूल्स जो हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत आते हैं। यानी यदि कोई भी कंसल्टेंट इन रूल्स को ब्रेक करेगा तो उनके अगेंस्ट एज पर द पॉलिसी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। रूल नंबर 1, इसे हम कहते हैं सिंगल ज्वाइनिंग रूल। इसका मतलब क्या है? हस्बैंड और वाइफ मोदी केयर में एक ही एंटिटी माने जाते हैं, यानी कि हस्बैंड और वाइफ एक ही एमसीए नंबर के ऊपर काम कर सकते हैं। एक हस्बैंड और एक वाइफ एप्लीकेंट या को एप्लीकेंट हो सकते हैं या वाइस वर्सा। हस्बैंड किसी दूसरे एमसीए नंबर या वाइफ किसी दूसरे एमसीए नंबर के ऊपर काम नहीं कर सकते। नेसेसरली एज पर दिस रूल दोनों को एक ही एमसीए नंबर के ऊपर काम करना है। सेकेंड रूल, इसे हम कहते हैं ड्यूअल ज्वाइनिंग रूल। इसका मतलब यह है कि एज अ कंसल्टेंट मेरी मोदी केयर में सिर्फ एक ही ज्वाइनिंग हो सकती है, मैं एक से ज्यादा एमसीए नंबर्स के ऊपर काम नहीं कर सकता। यदि मेरे पास मल्टीपल एमसीए नंबर्स हैं तो वो सारे इनवैलिड माने जाएंगे एंड एज पर द पॉलिसी एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। थर्ड रूल जो हमने अप्लाई किया है 26 अगस्त 2021 से, इसे हम कहते हैं फैमिली रूल। इसका मतलब यह है यदि मैं कंसल्टेंट हूं मोदी केयर में तो मेरे जितने भी ब्लड रिलेशंस में लोग हैं, यानी कि मेरे फादर, मेरे ब्रदर, मेरे मदर, सिस्टर, मेरे बच्चे, सन, डॉटर, जो मेरे ब्लड रिलेशंस में लोग हैं वो मेरे ही नेटवर्क में ज्वाइन कर सकते हैं, किसी क्रॉस लाइन में ज्वाइन नहीं कर सकते। इसे हम कहते हैं फैमिली रूल। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि जो मेरी डॉटर है यदि वो मैरिड है तो वो किसी नेटवर्क में, किसी दूसरे नेटवर्क में ज्वाइनिंग ले सकती हैं। अदरवाइज सारे ब्लड रिलेशंस में जितने भी लोग हैं वो मेरे ही नेटवर्क में ज्वाइन करेंगे। रूल नंबर 4, जब मोदी का बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, मोदी का नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं तो हमें डायरेक्ट सेलिंग के सारे रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करना है। इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि मोदी के प्रोडक्ट्स को हम पर्सन टू पर्सन ही सेल करते हैं। कभी भी हम मोदी के प्रोडक्ट्स को रिटेल काउंटर्स या शॉप्स पर सेल नहीं कर सकते, चाहे वो नॉर्मल ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोर्टार की शॉप्स हो, चाहे वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हो। यदि कोई भी कंसल्टेंट दुकानों पर या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर मोदी के प्रोडक्ट को सेल करता है तो ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट होगा और एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। साथ ही साथ जब आप सोशल मीडिया के ऊपर मोदी के का बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं तो जो भी आप अपना हैंडल क्रिएट कर रहे हैं या जो भी आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, ये करते हुए आपको मोदी केयर की सोशल मीडिया एंड कंटेंट गाइडलाइंस को फॉलो करना है। रूल नंबर 5, जब हम मोदी का नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं तो उस नेटवर्क में हम सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर ही प्रमोट कर सकते हैं। किसी दूसरे बिजनेस को मोदी केयर के नेटवर्क में प्रमोट करना हमारा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट होगा। तो चाहे कोई दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का बिजनेस है, चाहे कोई क्रिप्टो करेंसी है या कोई दूसरा बिजनेस, हम मोदी के अलावा कोई दूसरा बिजनेस मोदी के नेटवर्क में प्रमोट नहीं करेंगे। और रूल नंबर 6 जो बहुत जरूरी है वो ये है कि एज अ मोदी के कंसल्टेंट मैं किसी दूसरे मोदी के कंसल्टेंट को एंटाइस नहीं कर सकता, लालच नहीं दे सकता कि वो अपनी पहली ज्वाइनिंग को छोड़ें और मेरे नीचे एक नई ज्वाइनिंग ले।
अगर हम एंटाइस करते हैं, किसी को लालच देते हैं, किसी को बहकाते हैं, तो ये मोदी के लिए एक बहुत ही स्ट्रिक एक्शन वाली पॉलिसी है और इसमें जीरो टॉलरेंस है। और आप इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे, ये जितने भी हमने रूल्स बनाए हैं ये आपके करियर को सुरक्षित करने के लिए बनाए हैं, ये इसलिए डिवाइस किए गए हैं ताकि आप मोदी के में जो मेहनत करें उस मेहनत का फायदा आपको अभी और फ्यूचर में भी मिले। तो इन सारे रूल्स को फॉलो करें और अपने लिए एक रेजिडुअल इनकम तैयार करें। थैंक यू सो मच।